आज पठानकोट के ढाकी रोड के समीप स्थित भूप्रगट शिव ओम शिवालय मंदिर में शिवसेना हिंद के राष्ट्रीय प्रवक्ता रवि शर्मा की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रवि शर्मा ने बताया कि यह मंदिर मेरे पिताजी का सपना था, जिसे आज साकार किए हुए 10 साल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि यह मंदिर की स्थापना 20 अक्टूबर 2011 को रवि शर्मा के पिता श्री हेमराज शर्मा द्वारा की गई। रवि शर्मा ने बताया कि इस मंदिर में नागों की भ्राई का वास है, इसलिए इस मंदिर का नाम भ्रू प्रगट शिव ओम शिवालय रखा गया। पठानकोट से अजय कुमार की यह रिपोर्ट। जय श्री राम। मैं रवि शर्मा, सेवादार भूप्रगट शिव ओम शिवालय लक्ष्मी गार्डन कलोनी टाकी। बड़े उत्साह के नाल यह दसना चाहना कि भूप्रगट शिव ओम शिवालय दे विच 11 साल स्थापना दिवस दे अज कंप्लीट हो गए ने, और अज 20 अक्टूबर 2021 नूं मेरे फादर साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट भूप्रगट शिव ओम शिवालय दे विच 10वां वार्षिक कार्यक्रम जिहड़ा ओह कराया गया, स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम दे विच सवेरे 9 बजे झंडा पूजन, 11 बजे हवन, दोपहर नूं भंडारा और रात नूं जगमा द्वारा भगवान शिव का गुणगान करते हुए शिव विवाह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम दे विच भंडारे उत्ते DSP जगदीश जी विशेष तौर पर आए, उन्होंने नाल भगूति शर्मा जी जो कि काफ़ी अच्छी शख्सियत है राजनीति दे विच, ईमानदार, और ये सतीश महाजन जी, इन्हां तिन्हां ने शिरकत की। मैं इन्हां दा दिलों धन्यवाद करना और समूहिक टीम वालों एक गल का विश्वास इलाका वासियों नूं दिंदा कि जो सुपना मेरे फादर साहब ने देखा सीगा, क्योंकि जिहड़ा साडा इलाका है उस इलाके दे विच किसी प्रकार का कोई धार्मिक स्थान नहीं है। लोगों नूं मंदिर च नतमस्तक होने लई हाईवे क्रॉस करके बर्फानी मंदिर जाना पैंदा सीगा। इस मंदिर का निर्माण उन्होंने कारना कारण भी होया, और मैं एक गल का विश्वास दिलाना चाहना इलाका वासियों को कि जो स्वप्न मेरे फादर साहब ने देखा कि एज पैरल टू बर्फानी मंदिर इस मंदिर की आप गरिमा बनानी है, उसके उत्ते आप काम कर रहे हैं। भगवान का बड़ा आशीर्वाद है, लोगों का सहयोग है, इसी तरीके के नाल सहयोग मिलता रहा आने वाले समय के एक इतिहासिक मंदिर होगा। मैं सारे सहयोग लिए ऋणी हाँ। जय हिंद, जय भारत।